जनपद पंचायत बेहर के सहायक यंत्री स्वाति डोंगरे के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते जनपद पंचायत बेहर अध्यक्ष और सरपंच संघ अध्यक्ष ने बेहर अनुविभागीय अधिकारी गुरु प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि सहायक यंत्री स्वाति डोंगरे कार्यालय में अनुपस्थित रहती है, जिसके कारण सरपंचों के जनहित के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कई बार शिकायत भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। बैहर में स्वाति डोंगरे एसडीओ जो काम नहीं कर रही थी, इस संबंध में सरपंच संघ के अध्यक्ष के द्वारा मुझे स्वाति डोंगरे काम नहीं कर रही है इस संबंध में लेटर दिया गया था। उस संबंध में मैंने कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीओ को लिखा, उसे जानकारी लग गई कि अध्यक्ष मैडम ने मेरे संबंध में लिखा है। उन्होंने 12 तारीख को जनपद में आई और मुझे गाली गलौज करने लगी, अभद्र व्यवहार की मारने पीटने के लिए हो रही थी। इस संबंध में मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है, परंतु 8 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाली अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब मिलकर के सरपंच संघ और जनपद अध्यक्ष जनपद सदस्य सब मिलकर के कलमबंद हड़ताल करेंगे। हम लोगों के साथ एक परेशानी आई, जो यहाँ पर पदस्थ स्वाति डोंगरे मैडम जो एसडीओ हैं, इनके रहते हुए सभी सरपंचों की परेशानी आई, पीएसटीएस सत्यापन वगैरह में, और काफ़ी सरपंच साथी उनको पहचानते नहीं और समय पे काम नहीं होता रहा। इसके लिए हम लोगों ने एक बैठक रख और सरपंच संघ की तरफ से हमारे जनपद पंचायत अध्यक्ष महोदय को एक लेटर सौंपा। अगर ये 3 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो 21 तारीख आने वाले 21 तारीख से हम लोग